हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड यू आर वाचिंग टेक गार्डनिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेड प्लांट के बारे में। कैसे हम जेड प्लांट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जेड प्लांट हमारा एक हैंगिंग बास्केट प्लांट होता है। जो इसके छोटे छोटे लीव्स होते हैं वो इसको बहुत ही अच्छा गेटअप प्रोवाइड करते हैं। और तो और, जेड प्लांट हमारा एक इंडोर प्लांट भी है। आप इसको अपने इंडोर प्लांट्स में शामिल कर सकते हैं और ये आपके घर की शोभा बढ़ाता रहेगा, आपके घर को और सुंदर बनाता रहेगा। जेड प्लांट लगाने का एक फायदा ये रहता है कि अगर आप बॉन्साई के शौकीन हैं तो आप इस प्लांट को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉन्साई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तो और, जो इसका बॉन्साई बनता है वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही अच्छा गेटअप प्रोवाइड करता है वो। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस प्लांट की कटिंग लगाएंगे। ये प्लांट कटिंग के जरिए बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाता है। और तो और, जो हमारे नर्सरी वाले होते हैं वो भी इस प्लांट को कटिंग के जरिए ही लगाते हैं। इसकी एक छोटी सी कटिंग भी एक अच्छे खासे प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्लांट को आप बिना रूटिंग हार्मोन पाउडर के लगा सकते हैं। जो इसकी कटिंग होती है उसको रूटिंग हार्मोन पाउडर की जरूरत ही नहीं होती है, वो बिना किसी रूटिंग हार्मोन पाउडर के अच्छी खासी एक हेल्थी प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसकी कटिंग लगाते हैं और आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक्स बताते हैं जो आपको काम आएंगे इसकी कटिंग लगाते समय। तो दोस्तों, हमने ले ली है एक सीजर। लेकिन दोस्तों, इसकी कटिंग करने से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो हमें सॉइल कैसी लेनी होती है? हमें सॉइल इसमें ऐसी लेनी है कि हमें इस बार हमें अपनी सॉइल में कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है। हमने सिर्फ अपनी गार्डन सॉइल ली है और जो हमारे रिवर सैंड होती है वो ली है। इसमें हमारी 80% हमारे गार्डन सॉइल है और 20% हमारे रिवर सैंड है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जिसे हम रेत भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें काउ डंग फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि जो हमारा जेड प्लांट होता है वो एक सैक्युलेंट ब्रीड का है। सैक्युलेंट्स वो होते हैं जिनके जो पत्ते होते हैं उनके अंदर लिक्विड पाया जाता है। जैसे कि हमारा एलोवेरा हो गया, एलोवेरा के भी जो लीफ होते हैं उसके अंदर भी उसमें लिक्विड पाया जाता है। तो इन जो वैरायटीज आती हैं इनको हम सैक्युलेंट्स कहते हैं। तो इसमें हम अपना काउ डंग फर्टिलाइजर इसकी कटिंग लगाते समय यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, चलिए अपनी आप कटिंग ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी कटिंग है, इसकी कटिंग लेने का कोई वो नहीं होता है। आप एक छोटी सी कटिंग भी ले सकते हैं, जैसे कि ये देखिए कितनी छोटी सी नन्नी सी कटिंग। ये एक छोटी सी कटिंग भी हमारे एक अच्छे खासे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। हम थोड़ी बड़ी कटिंग भी ले लेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो छोटे कटिंग भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये इसकी एक छोटी सी कटिंग मैंने ऐसी एक्सपेरिमेंट के रूप में लगाई थी, वो भी ग्रो हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी ये छोटी सी कटिंग मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसने कितनी बढ़िया तरीके से रूट डेवलप हो रखी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसकी एक छोटी सी कटिंग भी एक अच्छे खासे प्लांट में बन जाती है। तो मैं इसको भी इसमें दोबारा ही लगा देता हूँ। तो दोस्तों, अपनी और कटिंग्स ले लेते हैं हम तक। ये देखिए, ऐसी हम अपनी छोटी छोटी कटिंग ले लेंगे। कटिंग करने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने इसको यहां से कट किया है, देखिए जैसे हमने इसको भी यहां से कट किया है, तो अब कुछ दिन बाद क्या होगा कि यहां से 3-4-5 ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी और ये और घना होता चला जाएगा।
तो अगर आप अपने प्लांट को कटिंग से लगाते हैं तो आपको एक नया प्लांट भी मिलता है, और तो और जो आपका जो पुराना प्लांट होता है, जो आपका मदर प्लांट होता है, वो भी अच्छा खासा घना हो जाता है, अच्छा खासा और हेल्थी हो जाता है। तो कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है आपको किसी भी प्लांट को लगाना है तो, और तो और जो आपका जो मदर प्लांट होगा उसकी हेल्थ, उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा बाद में, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होने लग जाती है बाद में। तो दोस्तों हमने जैसे कि अपनी 4-5 कटिंग ले ली है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे कुछ कटिंग्स। अब हम इसको अपनी सॉइल में लगा देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको अपने हैंगिंग पोर्ट में लगाने वाला हूँ, अपनी हैंगिंग बास्केट में इसको लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट में और अच्छा गेटअप प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों हम इसको यहाँ हल्का हल्का होल कर लेते हैं, थोड़े थोड़े गैप पे हम अपना होल कर देंगे और उसमें फिर पौधा लगा देंगे, अपना अपनी कटिंग हम उसमें लगा देंगे फिर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे होल हो गए हैं, तो अब हम अपने जो कटिंग्स हैं उसको इसमें प्लेस कर देंगे। तो प्लेस करने से पहले जो हमारे नीचे की जो लीफ होंगे उनको हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए दोस्तों इसकी एक छोटी सी ऐसे ब्रांच निकल रही थी, तो हम इसको भी इसमें लगा देंगे, हमारी ये छोटी सी ब्रांच भी ग्रो हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों जो हमारे ये इसके नीचे छोटे छोटे से लीव्स थे वो हमने सारे रिमूव कर दिए हैं। इसी तरह हम अपने जितनी भी हमने कटिंग्स ली हैं उसके सारे नीचे के लीव्स हम रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो सिर्फ एक छोटे से लीव से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, ये एक छोटे से नन्हे से लीव से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा लगता है। लेकिन ये एक सिर्फ एक छोटे से लीव से भी ग्रो हो जाता है, इसकी रूट्स यहाँ से भी डेवलप होना चालू हो जाती हैं, और फिर वो देखते देखते धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा प्लांट बन जाता है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है, और कटिंग से उगाना इसको ज्यादा बेहतरीन है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसी कटिंग से लगा देते हैं। आप चाहें तो इसको एक छोटे से लीव से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसका भी निकाल दिया, ये देखिए अब क्या है कि इसमें जो याली ब्रांच है ये, इसको भी हम अपने कटिंग के रूप में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसकी एक छोटी सी छोटी कटिंग भी अच्छी खासी ग्रो हो जाती है। ये देखिए इसकी ब्रांच भी हम ऐसी ले लेंगे, रेड प्लांट को कटिंग से लगाना एक बहुत ही आसान काम है। आपको इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई ज़्यादा रूटिंग हार्मोन पाउडर यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं है तो आप बिना उसके आप इसको लगा सकते हैं। वैसे तो मेरे पास रूटिंग हार्मोन पाउडर है, लेकिन मैं आपको इससे लगाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इससे लगाने से बस क्या होगा कि जो हमारी रूट 10 दिन में डेवलप होगी वो हमारी रूट 5 दिन में 6 दिन में डेवलप होना चालू हो जाती है। लेकिन जब हम बिना रूटिंग हार्मोन पाउडर के अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों अपनी कटिंग अब इसमें हम प्लेस कर देते हैं। ये देखिए अपनी कटिंग डालनी है और साइड साइड से फिर हमें दबा देना है, कोई बड़ा झंझट वाला काम नहीं है, सिर्फ हमें कटिंग लेनी है और उसको फिर साइड साइड से दबा देना है। ये देखिए दोस्तों हमें अपनी अगली कटिंग भी ऐसी लेनी है और फिर क्या उसको ऐसी साइड साइड से उसको दबा देना है मिट्टी को। इसको लगाना बहुत ही आसान होता है, अब जब ये कुछ दिन बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जब ये बेल की तरह लटकेगा इससे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। जैसे कि हमारे ये वाला प्लांट है, ये देखिए पोट हमारा ये रहा और हमारी जो इसकी ब्रांचेस है वो नीचे झूल रही हैं, लेकिन अब मैं इसको हैंगिंग बास्केट में लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये और सुंदर लगेगा देखने में।
तो ये हमारी जो कुछ उसमें से और ब्रांचेस निकली थी हमारी, जो हमने कटिंग्स ली थी, हम उसको भी ऐसे ही लगा देंगे। ये देखिए, अब जैसे छोटी सी ब्रांच है हमारी, इसको भी हम लेंगे और ऐसे ही सेव कर देंगे। देखिए हो गया, लग गई हमारी वो कटिंग। नीचे की लीफ जरूर रिमूव कर दीजिए अगर आप कोई सी भी कटिंग लगा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है वो लीव्स फिर नीचे से गलना चालू हो जाते हैं और कभी कभार आपकी कटिंग लग ही नहीं पाती है। तो आप नीचे आए लीव्स जरूर रिमूव कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हमने अपने जेड प्लांट की कटिंग लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपके यहाँ बरसात अरसात का मौसम नहीं चल रहा है तो आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए, लेकिन अभी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और हमारी मिट्टी गीली भी थी तो हम इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ अभी बरसात का मौसम नहीं है या अगर आप किसी और मौसम में लगा रहे हैं तो आप वाटरिंग ज़रूर करिए कटिंग लगाने के बाद, और फिर अपनी कटिंग को किसी छाएं वाली जगह में रख दीजिए। आप जेड प्लांट की कटिंग किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बरसात के मौसम में ही लगाएं। आप गर्मी में लगा लीजिए, सर्दी में लगा लीजिए, ये बहुत ही इजीली किसी भी मौसम में ग्रो कर जाती है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये पौधा। ये देखिए, इसको हम लक्की जेड के नाम से भी जानते हैं। मैंने ये प्लांट अपना शेडी एरिया में रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि कितना ग्रीन हो रखा है। अब कुछ दिन बाद जब हमारी ये कटिंग्स अपनी रूट डेवलप कर लेंगी तो ये भी इसकी तरह ही हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।